दोनों लगे अपनी अपनी बंदियों के साथ। दिलीप दिलीप दिलीप, अरे सर 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 प्रणाम। जियो फोन व्हाट्सएप चल रहा है इस पे। वाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज उदय रावत एंड यू आर वाचिंग उदय रावत व्लॉग्स उदय फ्रॉम उत्तराखंड। तो अभी सुबह के ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं और मैं भी कॉलेज के लिए पूरा रेडी हो चुका हूँ। और भाई जून है, हमारी छुट्टियाँ नहीं पड़ रखी। और सुबह सुबह ये दो बच्चे आ गए, स्कूल जाना है। बस कहाँ जाना है भाई तुम्हें? हाँ किधर? उधर इधर उधर वाले स्कूल। स्कूल? हाँ। तो मम्मी की भी छुट्टी नहीं पड़ती आंगनबाड़ी में, तो ये तो खैर सरकारी में पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों इधर आ रखे हैं। भाई कुछ काम धंधा नहीं है तुमको? तो मेरे तो फिलहाल देर हो रही है क्योंकि 9:30 बजे मेरी बस भी आने वाली है, तो बस में जाना है। आज मैं स्कूटी नहीं ले जा रहा। और अभी भी मैं शॉप से ऊपर आया था थोड़ी देर पहले, और अभी मुँह हाथ धुला, नाश्ता वगैरह भी हो गया। अब जूते पहनते हैं, बैग लटकाते हैं और चलते बनते हैं अपना। और रूम भाई मैं क्या ही दिखा रहा हूँ, और थोड़ा वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आ रही है क्योंकि रूम में अंधेरा है। अल्ट्रा वाइड बना रहा हूँ और ये विम बार मंगाया था मम्मी जी ने, और लाइट नहीं आ रही भाई इधर। मेरा फोन भी डेड है तो पावर बैंक से कर रहा था अब तक चार्ज, तो पावर बैंक दिन में मम्मी को चाहिए तो मैं नहीं ले जा सकता। तो ये कपड़े क्या कर रहा मैं, तो इन्हें उधर ले जाते हैं और कुछ बुला तो नहीं, और चलते हैं आगे। बात बाद में करते हैं। और ये दो नहीं है भाई उधर, मम्मी उधर जा रही थी मंडुआ की गुडान करने, कुद्दी की गुडान करने। जाओ उधर जाओ। तो अभी मौसम भी देख लो भाई, क्या ही भयंकर हो रखा है, धूप लग रखी है भयंकर वाली। और अभी जूते भी पहनते हैं बिल्कुल टिकटॉक वाली स्टाइल में, एक दो। तो जूते भी पहन लिए हैं और अब चलते हैं सीधे, और 5-10 मिनट में जस्ट मेरी बस भी आने वाली है, तो इसमें है नाश्ता पापा जी के लिए। न्याई बस बस तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सीधे पहुंच गए मार्केट में, और ये अपना मार्केट। और भैया जी मिल गए थे तो भैया जी के साथ आया मैं, तो भैया जी ने बाइक पकड़ा दी मेरे पास कि चला बल, तो उसमें नहीं बना पाया मैं वीडियो। तो अभी रुके हुए हैं अपने एक दो दोस्तों को, वो भी आ रहे हैं। तो एक बंदा आ गया है अपना स्कूटी, स्कूटी आजकल वो है, तो एक आ गया, अभी 2-3 और आ रहे हैं, वो मठ वाले आ रहे हैं, तो उन्हें भी रुकते हैं। वो एक बच्चा पहुँच गया हमारा, एक बेटा बेटा राम। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ। दोनों लगे अपनी अपनी बंदियों के साथ। दिलीप दिलीप दिलीप, अरे सर 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 प्रणाम। मेरे माथे पे लगा रहा, अरे सर भाई आधा घंटा रुक गए नहीं यहाँ पे, अभी आ रही है। तुम्हारे यहाँ लाइट थी, हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ नहीं थे सुबह से, कहाँ लाइट? हमारे यहाँ तो थी। बंदों का आजकल फाइल का भोकाल पड़ा है, सब फाइल बना रहे हैं आजकल कॉलेज में। तो अभी चल दिए हम, और जहाँ से बस हमको छोड़ती है वहाँ से मतलब 2-2.5 किलोमीटर आगे चलना पड़ता है हमें। तो अभी जा रहे हैं, इधर को नहीं चलती गाड़ी ऐसी कोई जो सवारी गाड़ी हो या ऐसा कुछ। और इन इन बंदों को 7-8 किलोमीटर रोज़ पैदल आते हैं बंदे, रोज़ इतनी कड़कती धूप में। और टेम्परेचर अभी ज़्यादा नहीं हो रहा, अभी अभी लगभग 20-22 टेम्परेचर होगा, ज़्यादा भी नहीं है, पर गर्म तो गर्म है भाई, इतना चलना पड़ता है पैदल इनको। सैल्यूट है, एक ये एक ये एक ये। तो यहाँ पे अभी हमको लिफ्ट मिल गई है, और जो ये लिफ्ट दे रहे हैं ये हमारे टीचर हैं, और भाई देखो सब के सब बैठ गए और मैं इसकी गोद में बैठ रहा हूँ ये पीछे। भाई तो चलते हैं, और जो हमारे टीचर हैं वो बड़े ही हैवी ड्राइवर हैं, मतलब फुल्ली भगाते हैं गाड़ी को। तो भाई पहुँच गए अपनी क्लास रूम में, और दो बंदे एक्स्ट्रा आ रखे हैं और बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो भाई कार में हम पूरे 6 बंदे, मैं इसके गोद में बैठा था क्योंकि 6 बंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बैग उतारते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। ये अपना इसका रोल नंबर 1 है भाई, अगले महीने इससे प्रैक्टिकल है, तो सबसे पहले इसके लिए काम करेंगे। पर फाइल लायर की बंदे ने तो फाइल बनाएगा, मैं भी बनाऊँगा अभी, क्योंकि आज तो फाइल ही बन रही है। तो अभी अपनी अटेंडेंस भी लग चुकी है, और जिनके साथ हम आए वही हमारे टीचर थे, मतलब हमारे ट्रेड के, तो उन्हीं ने लगाई अटेंडेंस। और ये तो खैर इलेक्ट्रीशियन का बंदा है, ये हमारी ट्रेन पर क्या कर रहा, और पढ़ाई चल रही है अपनी भयंकर वाली। और अभी पानी पीने चलते हैं। ओ खटखट मत कर, चल पानी पीने, विकास पहले पानी क्यों। तो हम पानी पीने के लिए यहाँ नीचे आते हैं क्योंकि ऊपर मैंने बता रखा एक दो बार कि ऊपर मतलब पानी सही नहीं है, पानी में कबाड़ आता है, जो अपने कॉलेज में लगाए नल, तो यहीं पर है कॉलेज भी, और ये नेचुरल धारा, तो यहीं से पीते हैं पानी, और टीचर लोग भी यहीं से ले जाते हैं भर के। और हमारे ट्रेड में जग था पर जग तोड़ दिया, पता नहीं किसने तोड़ा भाई, पता नहीं कौन तोड़ देता है यार भाई। अब यहीं आना पड़ता है, वरना एक ही बार ले जाते तो सब बंदे पी लेते अपना। अब एक एक करके आओ फिर पियो फिर भाई, ठंडा पानी बिल्कुल ठंडा।
तो अभी यहाँ किताब के लिए फाइट चल रही है भाई। भाई मेरी किताब है ये तो आपस में करते भाई मेरे लाई है हमने बैग में। इतनी मोटी किताब है ना भाई, 500 पेज की प्लस की है। 500 रुपए की भाई। और लाइट नहीं आ रही भाई, मैंने सोचा हमारे गांव में ही नहीं आ रही लाइट, यहाँ मार्केट में भी नहीं आ रही, तो क्या होगा, फोन भी चार्ज नहीं है और आज भी वीडियो बना रहा बहुत दिनों बाद। अरे खन्ना, इसके साथ मैंने परसों पूरे दिन पर वीडियो बनाई थी इसी के साथ, इसका पूरा थंबनेल पे लगा रखा मैंने इसकी फोटो, और बड़े दूर से आ का बंदा, और ये मेरे को गौर से देख रहा बंदा क्या कर रहा है। इसके साथ वीडियो। तो भाई अभी अपने पास एप्पल वॉच आ गई है, देख लो भाई कितनी भयंकर एप्पल वॉच है भाई। ये इस बच्चे की है जिसके लिए मैं सुबह बच्चा बोला था, तो इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं जैसे कि ये देख लो आप, ये देख लो बिल्कुल, हालांकि डुप्लीकेट है, रियल एप्पल वॉच नहीं है, पर देख लो जैसे ये है तो ये पूरा बताता है, और ये तो पूरा रनिंग वॉकिंग फुटिंग पता नहीं क्या क्या है, और अब ये मेरे फ़ोन से हो गया कनेक्ट। तो अभी दिन के ऑलमोस्ट 1 बज गए हैं, और आज पढ़ाई तो खैर क्या ही चल रही है, पर हम फाइल बना रहे हैं, और इधर भाई पढ़ाई चल रही है अंदर, और जो स्टूडेंट थे इतने सारे वो सारे चले गए हैं, और मेरी तो खैर कोचिंग है, मैंने 3 बजे से कोचिंग है मेरी, तो मैंने तो खैर बाद में जाना है। और ये है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास, और ये है अपनी इलेक्ट्रिशियन की क्लास, यहाँ अंधेरा छा रखा है पूरा, तो आ जाते हैं अभी 1 घंटा और इंतज़ार करते हैं इधर, और थोड़ा बाहर को आया मैं भी टहलने के लिए, ठंडी हवा खाने के लिए, अभी तक फाइल ही बन रही थी, और अभी देखो आसमान में भी बादल छाने लग गए हैं, तो बारिश होगी तो ठीक है। और भाई लाइट ने तो आज पता नहीं क्या ही ड्रामे कर रखे हैं, बिल्कुल आई नहीं रही कल, मतलब सुबह से आई नहीं थी, सुबह से मैंने देखा ही नहीं कि लाइट भी है, मेरे को लगा कि आ जाएगी लाइट यार, कॉलेज में कर लूँगा चार्ज, इसलिए चार्जर लाया था मैंने, पर लाइट है ही नहीं, और मार्केट में भी कहीं नहीं होगी लाइट भाई, फोन भी आखिरी सांस से ले रहा कोई नहीं, अभी देखते हैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉक करते रहेंगे। तो अभी मैं यहाँ पानी भरने के लिए आ रखा हूँ, और भाई 2 भी बज गए हैं, तो अब चलने की तैयारी भी करते हैं, इस पानी को छोड़ देते हैं ऊपर, ये गुरुजी लोगों ने मंगाया है उधर, उसके बाद चलता हूँ मैं भी, क्योंकि टाइम भी हो गया है, अब उतना ही टाइम लगेगा नीचे पहुँचने में, और देखते हैं अभी। और भाई जो शर्ट थी कॉलेज की वो तो मैंने उतार दी, वो बैग में डाल दी, और ये अंदर ही से ला रखी थी मैंने पहन के। तो अभी टाइम ऑलमोस्ट 2:30 बज गए हैं, और अभी हम 2 ही हैं, तो हम भी चलते हैं अभी, और मार्केट यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं, और अभी तो इस वाले रास्ते से आ रहे हैं हम, तो इधर को ज़्यादा धूप नहीं है, पेड़ है तो पेड़ की छाया, तो ठंडा फील हो रहा है, हवा चल रही है बड़ी मस्त मस्त। और भाई लगभग आधे एक महीने से तो पूरा का माहौल ही ख़राब हो रखा है, क्योंकि यहाँ धारा 144 भी हो रखी है लागू 14 तारीख से 18 तारीख तक, और भाई पुलिस ही पुलिस, और कल परसों मीडिया और पुलिस तो खैर पूरे दिन भर थी। तो इधर कोई ऐसा सीन हुआ कि एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश की, जिस कारण कि तब वो पकड़े गए मार्केट में, और फिर जो दुकानदार लोग हैं, जो भी लोग हैं इधर के लोकल लोग, तो उन्होंने धरना की कि भाई अब मुसलमानों को यहाँ पूर्वल से निकालो, क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं, 1-2 खबर पहले भी आई थी, तो जिस चक्कर से वो भगाने की सोच रहे हैं अब कि मुसलमानों को भगाओ यहाँ से। तो पुरोला में तो खैर पूरा पुलिस ही पुलिस है आजकल, तो कल परसों भी मीडिया वाले थे, जितने भी मीडिया चैनल हैं सब के सब पहुँच रखे थे भाई, आज तक से लेके इंडिया TV, जी न्यूज़ और सब पहुँच रखे थे, पर उस वक्त मैंने वीडियो बनाई नहीं, तो अभी बता रहा हूँ मैं थोड़ा, अभी भी पुलिस ही घूम रहे होंगे पुरोला में, और पूरा धारा 144 लागू है, मतलब 5 लोग से ज़्यादा एक जुट नहीं हो सकते, और ना ही धरना कर सकते हैं, ना ही बैठक कर सकते हैं, ना कुछ। तो अभी शाम के ऑलमोस्ट 5:30 हो गया टाइम, और मैं भी घर पहुंच गया हूं, और कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए, अभी जस्ट पहुंचा, और भाई क्या मस्त हवा चल रही है, बड़ा मस्त मौसम हो रहा है, पर टेम्परेचर अभी यहाँ का 30°C है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, पर हल्की फुल्की गर्मी फील हो रही है। तो अभी खाना वगैरह खाते हैं, देखो भाई किस टाइम पर हो रहा खाना, तो चलते हैं और खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद चलते हैं थोड़ी देर शॉप पे। तो अभी शाम के ऑलमोस्ट 6:30 हो गया टाइम, और अनिल के साथ हम बैठ गए दुकान में, दुकान पे आ गया था मैं थोड़ी देर पहले, और इधर को अपने नाना की ईट उतरी है कुछ, तो 6,000 ईटें हैं ये भाई साहब कल उतरी थी है, और ये लेंटर लुंटर भी पूरा बन के तैयार हो रखा है, तो मैंने बता दिया था शायद पहले, मुझे खुद नहीं पता बताया कि नहीं बताया। तो अभी थोड़ी देर बैठ रहे थे दुकान पर, क्यों ये भी थक गया अपने होटल पर उधर, तो ये भी इधर आ रखा है मेरे साथ बैठने के लिए, व्हाट्सअप चला रहा है, देखो भाई जियो फोन इधर, जियो फोन व्हाट्सअप चल रहा है इस पर, वाह जियो इसका फ़ोन VIP फ़ोन है भाई।